हेलो बच्चों नमस्कार, मैं अमित फ्रॉम LearnoHub आप सभी का स्वागत करता हूं। LearnoHub द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, SST, साइंस जैसे सब्जेक्ट, वो भी एकदम फ्री में @learnohub.com। तो देखिए, जैसा कि हम देख ही सकते हैं NCERT एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन आज के वीडियो में खत्म करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, हमारा आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। क्या दिया गया, देखो, द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल की बात चल रही है भैया, और रेशियो में इसके जो है एंगल्स हमको दे रखे हैं, कैसे, 3, 5, 9 और 13। ठीक है, फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, सभी एंगल्स की वो बात कर रहा है। हम जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल के कितने एंगल होते हैं, 4 होते हैं। क्वाड्रिलेटरल शब्द से ही पता चलता है, क्वाड का मतलब 4 और लेटरल का मतलब साइड, 4 साइड वाली कोई फिगर दे रखी है। तो एंगल्स जो हैं 4 ही होंगे, जाहिर सी बात है। तो फर्स्ट एंगल की अगर बात करें तो देखो, रेशियो में जब भी कोई चीज़ दी जाए इसका मतलब वो प्रॉपर क्वांटिटी में हमको नहीं पता कितनी है, इसीलिए जब वो रेशो से हम बाहर लेके आते हैं तो कोई वेरिएबल भी उसके साथ में इनटू में लगा देते हैं। एक्स वाई जेड ए बी सी आप कुछ भी लगा सकते हैं। हम मान के यहाँ पर चल रहे हैं एक्स, फर्स्ट एंगल एक्स हो गया हमारा, तो 3x हो गया। और सेकंड की अगर बात करें तो इसमें 5x हो जाएगा। सेम इसी तरह अगर थर्ड देखें तो भाई कितना है, 9x। और फोर्थ की अगर बात करें तो कितना आ जाएगा, ये 13x आ जाएगा। ठीक है जी, अब देखिए क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल होते हैं ना, उन सभी का जो सम होता है वो कितना होता है, ये होगा जी 360 के बराबर। ठीक है भाई, चलो अब देखो ये कितना है जी, 22 और 8, ये हो जाएगा जी 30। 30x इज इक्वल टू 360, तो ये 0 से 0 गई और ये आ गया जी हमारा 12। अब देखिए x की जो वैल्यू आई वो आई हमारी 12। अब एंगल उस हिसाब से यहाँ कितने आ जाएंगे, 3 × 12 यानी कि 36। सेकंड कितना आया, 60 आ गया। थर्ड की अगर बात करें 90 और 18, 108 डिग्री का, 13 और 12 कितना हो जाएगा, ये 120 और 36, 156, 156। तो ये 1, 2, 3, 4 सारे एंगल आपके सामने, 36, 60, 108 और 156। ठीक है जी, चलो यही इसमें पूछा हुआ था, चारों एंगल इसमें हमने फाइंड आउट कर दिए। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, चलो जी सोल्व करते हैं इसको। इफ़ द डायगनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है जी, पैरेललोग्राम की बात कर रखे और डायगनल्स कैसे बता रखे हैं, इक्वल बता रखे हैं। मान लेते हैं कि ये कोई हमारा पैरेललोग्राम दे रखा है जी, ए बी सी डी, इसके डायगनल्स ये रहे, बीच में कोई पॉइंट ये ओ है मान लेते हैं। ठीक है जी, अब देखो गिवन इसमें क्या क्या है, पैरेललोग्राम दे रखा है, इसका मतलब कि आमने सामने की साइड कैसी होंगी, पैरेलल और बराबर दोनों होने वाली हैं। ठीक है जी, तो ए डी बराबर में बी सी के, और किसके हो जाएगा, देखो ए बी बराबर डी सी के, क्लियर है जी इतना, ये डी है, कभी इसको ओ समझ ले आप लोग। और हमको क्या दे रखा है जी, बराबर डायगनल्स, देखो जी डायगनल्स भी इसमें हमको कैसे दे रखे हैं, बराबर दे रखे हैं, ए सी बराबर किसके दे रखा है, बी डी के। इतनी चीज तो जी हमको इसमें क्या है, गिवन है। अब इसमें क्या बात कर रहा है कि देन शो दैट इट इज़ अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल हमको इसमें शो करवाना है जी। ठीक है, देखिए पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में सिमिलर क्या चीज़ है, सिमिलर ये है कि आमने सामने की जो साइड है, अपोजिट साइड इसमें कैसी होती है, बराबर होती है। ठीक है, रेक्टेंगल में क्या होता है कि सभी जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है जी, तो इसमें हम एक काम कर लेते हैं, एक तो इसमें ट्रायंगल मान लेते हैं ये वाला, और दूसरे नंबर पर ट्रायंगल ले लेते हैं इसमें ये वाला, क्लियर है इतनी चीज। चलो देखिए, इन ट्रायंगल
कौन से वाला, ए बी डी, ए बी डी एंड कौन सा ट्रायंगल दूसरा, ए बी सी। ठीक है जी, ये दो ट्रायंगल अभी मान के चल रहे हैं। अब देखो जरा, इन दोनों में सबसे पहले तो हम देख सकते हैं कि ए बी और ए बी क्या है, बराबर है, क्योंकि दोनों में कॉमन दे रखी है ये, इतनी चीज क्लियर है जी। और दोनों में हम देख सकते हैं कि ए डी, ए डी बराबर किसके, बी सी के, क्योंकि ये क्या दिया हुआ है हमको, पैरेललोग्राम दिया हुआ है, और आमने सामने की साइड बराबर रहेंगी, तो यहां पर भी हम लिख सकते हैं गिवन। ठीक है चलो, और दूसरी चीज इसमें देखो क्या दे रखी है, ए सी और बी डी भी बराबर दे रखे हैं, ये भी गिवन लिख सकते हैं हम। ठीक है जी, अब तीन चीजें, तीन साइड हमको मिल चुकी हैं, सो यहां से हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट हो चुका है किससे, ट्रायंगल ए बी सी से। अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो चुके हैं किससे, ट्रिपल एस कॉन्ग्रेंसी से, अगर ये कॉन्ग्रेंट हो चुके हैं तो हम यहां क्या लिख सकते हैं, देखो जी इसका तो एंगल ए, और यहां से ले लो पूरा का पूरा ये एंगल बी। ठीक है, तो एंगल ए और एंगल बी यहां से क्या आ जाएगा हमारा, बराबर आ जाएंगे बाय सीपीसीटी से। इतनी चीज क्लियर हुई, चलो अब देखो, ए डी पैरेलल किसके है, बी सी के है, बिकॉज ये पैरेललोग्राम है। ठीक है चलो जी, ये तो हमको दे रखा है गिवन है। अगर ऐसा है तो ए बी, ए बी क्या होगी हमारी, ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल लाइन ये कहलाई जाएगी, यानी कि तीर्यक रेखा। ठीक है जी, ट्रांसवर्सल होगी हमारी ये, तो ऐसे में एंगल ए, इस ट्रायंगल का एंगल ए और इस वाले का एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी ये किसके बराबर होंगे, 180 डिग्री के बराबर होते हैं, क्योंकि ये कैसे एंगल हैं, ये एंगल्स हैं हमारे सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। भाई प्रॉपर्टी होती है ना ये, अगर एंगल्स हमारे सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल यानी कि तीर्यक रेखा के एक ही साइड दे रखे हैं, ठीक है, तो वो कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि 180 डिग्री के होते हैं। ठीक है, और हम जानते हैं, देखो जी ए और बी कैसे दे रखे हैं, बराबर, हमने सीपीसीटी से अभी प्रूव किया है। ठीक है, या तो यहां पर दोनों ए की उसमें फॉर्मेट में लिखिए, या फिर बी बी लिख लीजिए। ठीक है, हम यहां पर लिख रहे हैं ए प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180, क्योंकि इसमें ये लिख सकते हैं कि भाई एंगल ए बराबर एंगल बी, ये अभी हमने प्रूव किया है, तो प्रूव्ड अबव। ठीक है भाई, तो ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ए, ये कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। अगर ये 90 है क्योंकि ये दोनों बराबर है, तो भाई बी भी कैसा होने वाला है, बी होने वाला है जी 90 का। सेम उसी तरह सी भी हमारा 90 का हो जाएगा, और डी भी हमारा 90 का हो जाएगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, अपोजिट एंगल्स में बराबर होते हैं, तो सारे एंगल्स इस पर इस तरीके से 90-90 के हो गए। अगर सारे एंगल इसमें 90 के हो जाते हैं, और देखो ऑल एंगल्स कैसे आए इसमें, 90 डिग्री के आ गए, और अपोजिट साइड कैसी हैं, बराबर आई हैं, तो इसका मतलब इट इज अ क्या, रेक्टेंगल। ठीक है जी, समझ में आई कि नहीं, चलो तो इसी के साथ ये पार्ट हमारा समाप्त होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, क्या दिया है, देखो शो दैट इफ द डायगनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, देखिए डायगनल्स की बात करिए, शो दैट इफ द डायगनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगनल जो हैं वो क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। ठीक है जी,
चलो सबसे पहले तो जो है कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं जी। ठीक है जी, बना लिया। अब देखो इसके बना लीजिए डायगनल्स। चलो जी ये डायगनल्स हमने बना लिए किसी पॉइंट पर, ओ पर ये कट कर रहे होंगे। और इन्होंने क्या बताया कि कट ये बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, कहाँ पर? 90-90 पर। ठीक है जी, चलो ठीक है भाई। देन इट इज अ रोम्बस। चलो जी इसको रोम्बस जो है हमको बताना है। देखिए गिवन क्या क्या है हमको, इनको मान लेते हैं लेट्स से 1, 2, 3 और 4, इन एंगल को 1, 2, 3, 4 मान लेते हैं। ठीक है, एक तो ये चीज हमको दे रखी है, क्लियर है जी। और हमको क्या दे रखा है, देखो ये बता रखा है कि जो डायगनल्स हैं ये बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। बाइसेक्ट का मतलब ए ओ बराबर में ओ सी एंड डी ओ बराबर में ओ बी, इतनी चीज तो हमको जी दे रखी है गिवन। अब देखो प्रूफ हमको क्या करना है, रोम्बस। रोम्बस में क्या होता है, हम सभी जानते हैं कि सारी जो साइड होती है आपस में बराबर होती है। ठीक है, अब ये साइड हमको जो है बराबर करके दिखवानी है, क्लियर है जी। देखो जी सबसे पहले एक काम करते हैं, ये दो ट्रायंगल लेते हैं, कौन से वाले, इन ट्रायंगल ए ओ डी, ए ओ डी एंड ट्रायंगल बी ओ सी। कौन से ट्रायंगल की देखो बात कर रहा हूं मैं, एक तो ये वाले की और एक ये वाले की। चलो ये दो ट्रायंगल सभी मान के चल रहे हैं। देखो जी इसमें क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं, 1 और 3 वर्टिकली अपोजिट भी हैं, या फिर आप इसकी जगह लिख सकते हैं कि ईच 90 डिग्री है, या लिख दो कि गिवन है, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है जी, चलो भाई एक चीज मिल चुकी है, और इसमें अगर आप देखो ए ओ, ए ओ बराबर में ओ सी, और इसमें डी ओ, डी ओ बराबर में ओ बी, ये ओ है बच्चों, ये दोनों ही हमको क्या दे रखे हैं जी, गिवन दे रखे हैं। ये साइड और बीच में एंगल, इसका मतलब ट्रायंगल ए ओ डी हमारा कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो चुका है किसके, ट्रायंगल बी ओ सी के। अब हमें चाहिए क्या, साइड बराबर चाहिए, इसका मतलब ए डी, ए डी ये वाला और बी सी, ए डी और बी सी ये वाली साइड और ये वाली आपस में कैसी हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगे। ठीक है भाई, बाई सी पी सी टी से, सी पी सी टी से बराबर हो गई, और इसी को मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इतनी चीज क्लियर है जी। अब देखो जी इस बार तो ये ट्रायंगल लिए थे हमने, हम ऐसा लिख सकते हैं कि भाई सिमिलरली ट्रायंगल ये वाला और ये वाला डी ओ सी कॉन्ग्रेंट होगा किसके, ए ओ बी के। जैसे ये हमने कॉन्ग्रेंट प्रूफ करवाए, ऐसे ही ये दोनों ट्रायंगल्स भी कॉन्ग्रेंट होंगे। चाहे तो आप इसको सोल्व करके लिख सकते हैं जैसे कि हमने इसको सोल्व किया, ठीक है, चाहे तो नहीं भी कर सकते, सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं कि बिल्कुल ठीक इसी की तरह हम इन दो ट्रायंगल को भी क्या बोल सकते हैं, कॉन्ग्रेंट बोल सकते हैं। अगर कॉन्ग्रेंट बोल सकते हैं तो वहां से हमको ये मिल जाएगा, इनकी जो सामने की साइड है एक दूसरे की क्या हो जाएंगी, ये बराबर हो जाएंगी, ए बी इज इक्वल टू किसके, डी सी के। ठीक है, बाय सी पी सी टी से। और ये किसके, देखो इधर ये एस ए एस से आया था तो ये भी एस ए एस कॉन्ग्रेंसी से हो जाएगा। ठीक है जी, साथ ही साथ इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 मान ली। देखो जी अब आमने सामने वाले हमने ट्रायंगल ले लिए, अभी एडजेसेंट कोई सा भी आप ट्रायंगल ले सकते हो, कौन सा ट्रायंगल ले बताओ, ए ओ डी एंड ट्रायंगल कौन से वाला, बी ओ ए ले लें क्या, ठीक है ए ओ डी ए ओ बी लेते हैं, ए ओ बी ये वाला और ये वाला, ये दो ट्रायंगल अभी लेके चल रहे हैं। ठीक है जी, चलो भाई एक तो इसमें हम देख सकते हैं कि भाई एंगल 1 किसके बराबर आ रहा है, 1 और 2 के, क्योंकि ईच 90 हैं ये। ठीक है जी, और दूसरी चीज ओ ए, ठीक है भाई ओ ए जो है
वो कैसी है, ओ ए बराबर में ओ ए कैसी दे रखी है हमको, कॉमन है। क्लियर है भाई। और दूसरी चीज डी ओ बराबर में ओ बी, डी ओ बराबर में ओ बी, ये हमको दे रखा है जी गिवन। ठीक है, अब देखो एक साइड ये, एक ये और बीच में एंगल, तो ये भी भाई हमारा ट्रायंगल ए ओ डी कॉन्ग्रेंट हो चुका है किसके, ए ओ बी के, बाई एस ए एस कॉन्ग्रेंसी रूल। क्लियर है, इतनी चीज क्लियर हो गई। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ए डी, ए डी ये किसके बराबर हो जाएगा, ए बी के बाय सी पी सी टी। वन टू थ्री, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। क्लियर है। अब उसके बाद में देखो जी, इसके बाद में हम ये लिखेंगे कि सिमिलरली सेम उसी तरीके से ये वाला और ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं भाई। एक बार तो एडजेसेंट में हमने ये ले लिया, अब इस बार ये ले लो। ठीक है, हम बोलेंगे कि सिमिलरली इसी तरीके से ट्रायंगल ए ओ डी, ए ओ डी ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होगा कौन से ट्रायंगल के, ऊपर वाले के, डी ओ सी के। ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है बच्चों, ट्रायंगल डी ओ सी के, ठीक है, बाय किसके, एस ए एस कॉन्ग्रेंसी रूल। यहां से हम क्या पता कर सकते हैं, ए डी और ये डी सी बराबर हो जाएगा बाय सी पी सी टी से, और इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फोर। तो जब इन चारों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, चारों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करेंगे, देखो फर्स्ट में क्या था, ए डी बराबर किसके आया था, बी सी के था, ए डी बराबर बी सी के, और यहाँ ए डी बराबर ए बी के है, और यहाँ ए डी बराबर किसके, डी सी के आ रहा है। चारों की चारों साइड हमने जो है बराबर प्रूफ करवा दी, करवा दीजिए। देखो ए डी किधर है, ए डी बी सी ए बी और डी सी, चारों की चारों साइड आपस में बराबर आ रखी है जी। अगर बराबर आ गई तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं इट इज़ अ रोम्बस। क्लियर है जी बात। चलो तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, क्या दिया गया, देखो शो दैट द डायगनल्स ऑफ अ स्क्वायर, डायगनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। ठीक है जी, ये हमको शो करवाना है कि भाई क्या है, एक स्क्वायर हमको दे रखा है जी, एक स्क्वायर हमको दे रखा है, ए बी सी डी नाम का कोई स्क्वायर है, इसके डायगनल्स हैं जी। ठीक है, किसी पॉइंट ओ पर ये कट कर रहे हैं। देखो सबसे पहली चीज लिख लेते हैं कि जी हमको प्रूफ क्या क्या करना है। प्रूफ करने को इसमें बोला गया है कि भाई शो क्या करवाना है कि जो डायगनल्स है, डायगनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। सबसे पहले तो फर्स्ट पार्ट में इसका ए सी बराबर बी डी, ये हमको प्रूफ करवाना है। सेकंड में क्या है, देखो सेकंड में है कि भाई ये बाइसेक्ट भी होने चाहिए एक दूसरे से। ठीक है, यानी कि ए ओ बराबर ओ सी एंड डी ओ बराबर में बी ओ। ठीक है जी, ये डी ओ है। थर्ड पार्ट के अंदर क्या दिया, देखो ये राइट एंगल्स पे मान लेते हैं, ये एंगल वन टू थ्री और ये फोर, ये एंगल अभी के लिए मान के चलते हैं। ठीक है जी, एंगल वन, ठीक है जी, टू थ्री फोर, ये सभी कैसे होने चाहिए, 90 डिग्री। इतनी चीज हमको प्रूफ करनी है। ठीक है जी, अब देखो अपने फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं जी। चलिए अगर फर्स्ट पार्ट की हम लोग बात करें तो देखो इसमें हम क्या ले सकते हैं, सबसे पहले तो हम इसमें ले सकते हैं ट्रायंगल कौन सा, AC बराबर में BD, AC भी आनी चाहिए और BD भी। देखिए दो ट्रायंगल हमको यहां से मिल सकते हैं, कौन से, ABD
ए बी डी एंड ट्रायंगल ए बी सी, ये दो ट्रायंगल अभी लेके चल रहे हैं हम लोग, ठीक है जी। देखिए, चलो भाई अब देखो इसमें क्या क्या चीज़ें हमको दे रखी है। शो दैट द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, देखिए स्क्वायर बता रखा है, ठीक है। अगर स्क्वायर बता रखा है तो क्या हम इसमें ऐसा बोल सकते हैं क्या कि भाई ए डी जो है ए डी बराबर किसके होगा, बी सी के होगा, क्योंकि भाई ये क्या है, साइड ऑफ अ स्क्वायर, साइड किसकी है, ये स्क्वायर की है, या फिर लिख सकते हैं कि गिवन है। सेम उसी प्रकार एंगल ए और एंगल बी, ठीक है, एंगल ए और एंगल बी कितने का होगा, बराबर होगा, क्यों, क्योंकि ईच 90, स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है सभी एंगल कैसे होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। और दूसरी चीज क्या, ए बी दोनों ट्रायंगल के अंदर आ रही है, तो ए बी बराबर में ए बी, ठीक है जी। ये है हमारी कॉमन, यहां से ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो जाता है किसके, ट्रायंगल ए बी सी के। इतनी चीज हमको हो जाती है जी क्लियर, एक साइड ये ली एक साइड ये और बीच का एंगल है, तो इसका मतलब एस ए एस कॉन्ग्रेंसी से। इतनी चीज क्लियर हुई कि नहीं, चलिए जी। तो यहां से क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई ए सी बराबर बी डी के हो जाएगा, क्यों हो जाएगा जी, सी पी सी टी से, अभी दोनों ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रेंट प्रूफ करवाए हैं, तो इसका मतलब सी पी सी टी से ऐसा हो सकता है। तो ये तो हो जाता है जी हमारा फर्स्ट पार्ट फिनिश, जहां पर डायगनल्स जो है बराबर प्रूफ करवाने के लिए हमको कहे गए थे, ये हो चुका है। अब सेकंड की बात कर लेते हैं जी। देखो सेकंड में कैसे कैसे कर सकते हैं हम, देखिए अभी तक तो हमने ये लिए थे ये वाले ट्रायंगल, अभी बारी आ जाती है किसकी, देखो जी इस बार जो ट्रायंगल लेंगे ना हम लोग, इस बारी हम ट्रायंगल लेने वाले हैं ए ओ ओ सी, ठीक है जी। देखो ये वाले मतलब के एक दूसरे के ना अपोजिट वाले लेने वाले हैं, ठीक है भाई। चलो तो लिखते हैं जरा, इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड कौन सा ट्रायंगल बी ओ सी, आमने सामने वाले हमने ट्रायंगल ले लिए हैं, क्लियर है भाई। चलो तो सबसे पहले तो ये कि एंगल वन जो है बराबर एंगल थ्री के हो जाएगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं ये, क्लियर है जी। चलो और दूसरी चीज, AD बराबर में BC के, ये अभी हमने क्या किया है, अभी तो नहीं किया, ये तो हमको दिया हुआ गिवन है, क्योंकि ये क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर, कैसी है, साइड्स ऑफ स्क्वायर है ये, क्लियर है इतनी चीज। चलिए और इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो ये स्क्वायर है, आमने सामने की साइड कैसी है, बराबर है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पैरेलल भी रही होंगी, पैरेलल इनको बोल सकते हैं, ठीक है। तो एसी, क्या एसी, ये जो एसी है एज अ ट्रांसवर्सल एक्ट करेगी कि नहीं करेगी, ये बताओ। तो ऐसे में ये एंगल और ये वाला एंगल, इनको मान लेते हैं एंगल फाइव और एंगल सिक्स, मान लिया, तो ये कैसे हो जाएंगे, बराबर होंगे कि नहीं होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और या फिर आप लिख सकते हैं कि भाई एसी एज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो देखिए दो एंगल आए हैं इसमें और एक आ गई है साइड, साइड किधर है भाई, एडी और ये एंगल, एक ये वाला है एक ये वाला है, यानी कि इंक्लूडेड साइड इसमें नहीं है, ठीक है। तो यहां से ट्रायंगल ए ओ डी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा किसके, बी ओ सी के, बाय एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी रूल। इतनी चीज क्लियर है जी।
अब देखो, क्या यहाँ से हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि भाई डी ओ इस ट्रेंगल का, तो डी ओ इसके बराबर होगा और इस ट्रेंगल का ए ओ ओ सी के बराबर होगा। कैसे? सी पी सी टी से हो जाएंगे, ये होंगे कि नहीं? तो देखिए, यही सेकंड पार्ट में हमको पूछा गया था, ठीक है, जो कि हमारा हो चुका है फिनिश। अब बारी आती है किसकी? अब बारी आती है जी हमारे थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में देखो क्या बताया हुआ है, 1, 2, 3 और 4 या चारों के चारों एंगल हमारे कैसे रहने वाले हैं, 90 डिग्री के रहने वाले हैं, ठीक है जी। देखो जी, अगर थर्ड पार्ट की बात करें, अभी तक देखो, अब इसमें ट्रेंगल पता है कौन से मानेंगे? ट्रेंगल इसमें मानने वाले हैं ये और दूसरा ये वाला, ये दो इसमें ट्रेंगल हम मानने वाले हैं। तो चलिए इसको लिख लेते हैं ज़रा, ट्रेंगल ए ओ डी एंड ट्रेंगल कौन से वाला, डी ओ सी, ठीक है जी। चलो अब इनको जो है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करवाते हैं फटाफट से। देखिए डी ओ और डी ओ दोनों में कैसी है, कॉमन है, क्लियर है जी इतनी चीज़। चलो ए डी और डी सी भी बराबर हो जाएंगे, क्यों बराबर होंगे, ए डी और डी सी क्योंकि ये क्या हैं, स्क्वायर की साइड्स हैं भाई, ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर है जी। और हम इसमें क्या बता सकते हैं, हाँ जी, ए ओ और ओ सी, ए ओ और ओ सी यहाँ लिख सकते हैं आप कि भाई प्रूव्ड अबव, ऊपर हमने अभी प्रूव किया है क्वेश्चन में, क्लियर है इतनी चीज़। एक साइड ये, एक साइड ये और ये, तो तीनों के तीनों साइड ही हैं इसमें, तो इसमें हो जाएगा जी ए ओ डी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा किसके, डी ओ सी के बाय एस 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 कॉन्ग्रेंसी रूल के हिसाब से, इतनी चीज क्लियर है भाई। चलो अच्छा, इसमें ऐसा बोल सकते हैं क्या, एंगल वन और टू बराबर होंगे, क्यों बराबर हैं जी, बाई सी पी सी टी से, क्लियर है। अब हम जानते हैं कि ए ओ सी क्या है, एक लाइन है, लाइन है, तो इसका मतलब एंगल वन प्लस एंगल टू ये कैसे बनाएंगे, लीनियर पेयर बनाएंगे क्या, लीनियर पेयर अगर बनाएंगे, ठीक है, और अभी हमने वन और टू को बराबर प्रूफ किया, यहां से या तो लिख दीजिए ट्वाइस ऑफ एंगल टू या फिर ट्वाइस ऑफ एंगल फर्स्ट बराबर कितना हो जाएगा, 180 के हो जाएगा, कितना आ गया 90 आया। अगर 190 है तो एंगल टू भी हमारा कैसा रहने वाला है, 90 रहेगा कि नहीं रहेगा, और अगर ये 90 है, कौन से वाला, ये 90 है और ये 90 है, ये दोनों कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं कि नहीं है, और ये कैसे हैं, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं कि नहीं है, तो उसी प्रकार हम लिख सकते हैं कि एंगल वन बराबर किसके है, एंगल थ्री के, और टू बराबर किसके है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और तो इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि जब वन और टू हमारे 90 के हैं तो ये दोनों भी कैसे हो जाएंगे, 90 के हो जाएंगे। थर्ड पार्ट में हमको यही जो है प्रूफ करना था, क्लियर है जी। चलो तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। देखिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। क्या दिया, देखो, शो दैट इफ द डायगनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, देखिए डायगनल्स की बात बता रहे हैं, आर इक्वल, किसी क्वाड्रिलेटरल के जो डायगनल्स है वो कैसे दे रखे हैं, इक्वल दे रखे हैं, ठीक है जी, एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर रहे हैं ये, कहाँ, लेट्स से ये कोई पॉइंट ओ है और बाइसेक्ट किस जगह कर रहे हैं जी, पॉइंट ओ पर, और सारे एंगल्स कैसे 90 के दे रखे हैं, क्लियर है जी। देखो देन इट इज अ स्क्वायर, स्क्वायर इसको प्रूफ करवाना है, क्लियर है भाई। चलो अच्छा, इसमें जो है अगर देखें गिवन चीज़ें पहले नोट डाउन कर लें क्या, चलो कर लेते हैं भाई। डायगनल्स की बात बता रखी है, इसका मतलब कि ए सी बराबर में किसके दे रखा है, बी डी के,
ठीक है, एक चीज़ तो ये, और दूसरी चीज़ एंगल ए बराबर एंगल टू ए कह रहा हूँ, सॉरी 1 2 3 4 सारे के सारे कैसे हैं 90 डिग्री के हमको दे रखे हैं जी, और साथ ही साथ हमको ये बता रखा है कि ए ओ बराबर में ओ सी एंड डी ओ बराबर में ओ बी। देखो इतनी चीज़ तो हमको दे रखी है जी गिवन, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब अगर बात करें किसके, अब कौन से इसमें ट्रायंगल लिए जाएं। देखो जी एक काम करते हैं, सबसे पहले इसमें जो है इसको स्क्वायर प्रूफ करना है, स्क्वायर प्रूफ करना है यानी कि सारी की सारी साइड्स इसकी हमको कैसे लेकर आनी होंगी, बराबर लेकर आनी होंगी, ठीक है जी। चलो और इसमें एंगल जो है एंगल लेकर आने होंगे हमको 90 डिग्री के, क्लियर है इतनी चीज़। तो सबसे पहले कोई भी आप दो ट्रायंगल उठा सकते हैं, हम एक तो ये ट्रायंगल मान के चल रहे हैं और एक ये वाला, क्लियर है। चलो तो स्टार्ट करते हैं भाई, इन ट्रायंगल ए ओ बी, ए ओ बी एंड ट्रायंगल कौन से वाला डी ओ सी, क्लियर है। चलिए तो देखिए इसमें सबसे पहले तो ठीक है भाई, एंगल टू और फोर वर्टिकली अपोजिट भी हैं और 90 भी दे रखे हैं, तो जैसे मर्जी वैसे लिख लीजिए, ठीक है। एक चीज़ हमको यहाँ से मिल जाती है, और दूसरी चीज़ क्या है कि भाई ए ओ बराबर में ओ सी के, और दूसरा क्या मिलेगा डी ओ बराबर में ओ बी के, ये दोनों ही चीज़ें हमको गिवन दी हुई है, क्लियर है। चलो जी इंक्लूडेड एंगल यहाँ पर आ रहा है, अगर इंक्लूडेड एंगल है तो ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंट हो चुका है किसके, डी ओ सी के, और अगर ये कॉन्ग्रेंट हो गए हैं एस ए एस कॉन्ग्रेंसी रूल से, तो क्या हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि भाई ए बी बराबर किसके है डी सी के बाय सी पी सी टी, और साथ ही साथ इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट इसको हम मान चुके हैं। अब उसके बाद हम यहां से लिख सकते हैं कि भाई सिमिलरली, चाहे तो पूरा भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो बिल्कुल जैसे ये क्या ना सारे वही स्टेप्स इसमें होने हैं, कौन से वाले में, एक तो इसमें और एक इसमें, हम यहां से बोल सकते हैं कि सिमिलरली ट्रायंगल डी ओ ए यानी कि ये वाला ट्रायंगल, ये भी कॉन्ग्रेंट होगा किसके बी ओ सी के, एस ए एस कॉन्ग्रेंसी से, क्योंकि बिल्कुल सेम सारे यही स्टेप्स इसमें होने वाले हैं, ठीक है। तो यहां से हमारी क्या चीज आ जाएगी, देखो ए डी बराबर में किसके आ जाएगा भाई बताओ, बी सी के बराबर आ जाएगा क्या बाई सी पी सी टी, और इसको मान सकते हैं इक्वेशन नंबर टू, मान ली इक्वेशन। चलो अब देखिए जरा, अब इसके बाद आमने सामने अपोजिट वाले हमने एंगल ले लिए, अभी लेते हैं बराबर वाले, ठीक है। इन ट्रायंगल ए ओ बी ये ट्रायंगल ले लेते हैं भाई, ये वाला, और ये ले लेते हैं चलो इन ट्रायंगल ए ओ डी। तो अगर इनकी बात करें, देखिए सबसे पहले तो हमको यहां से दिख जाती है क्या, हमको यहां से दिख जाती है ए ओ, ए ओ बराबर में ए ओ, ये कैसी है हमारी कॉमन है, क्लियर है इतनी चीज। चलिए भाई अगर ये कॉमन है, फिर उसके बाद में देखिए एंगल वन और एंगल जो फोर है ये ईच 90 है, हमको गिवन दे रखा है कि भाई बराबर हैं ये, इतनी चीज क्लियर है जी। चलिए और दूसरी चीज देखो, ये बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, ठीक है, क्या क्या बाइसेक्ट कर रहे हैं डी ओ और ओ बी, भाई दोनों आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं ना डायगनल्स, तो ये बराबर भी हमको दे रखे हैं डी ओ और ओ बी, ये क्या है गिवन है। देखिए एक साइड ये ले ली, एक साइड ये, इंक्लूडेड एंगल इसमें बीच में आया, तो ट्रायंगल ए ओ बी
कॉन्ग्रेंट हुआ किसके, ए ओ डी के। By SAS congruency rule के हिसाब से, ठीक है। अब ये दोनों triangle हमने जो है क्या करवा लिए हैं, congruent proof करवा लिए हैं, और side हमको इसमें कौन सी लेनी पड़ेगी फिर, AD बराबर में AB, इसको लिख देंगे जी CPCT से, CPCT से ऐसा हो गया। इसको ले लेते हैं equation number third, ले लिया। अब यहां पर लिखेंगे कि भाई सिमिलरली क्या करवाएंगे, देखो अपोजिट एंगल ले लिए, एक साथ वाला भी वो ले लिया ट्रायंगल हमने, ले लिया कि नहीं। अब एक साथ वाला ये वाला ट्रायंगल भी हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि सिमिलरली ये दोनों ट्रायंगल भी कैसे होंगे, ट्रायंगल ए ओ बी, या तो इनको ले लीजिए या इनको ले लीजिए, बात एक ही है। सिमिलरली जैसे ये क्या है सेम, उसी तरीके से ये इसके क्या होगा, कॉन्ग्रेंट होगा बी ओ सी के, एस ए एस कॉन्ग्रेंसी से। इतनी चीज क्लियर हुई। अब उसके बाद अगर ये दोनों हो जाएंगे कॉन्ग्रेंट, तो इसका मतलब ये बराबर इसके भी हो जाएगा, ए बी बराबर किसके, बी सी के। बी सी के अगर बराबर होगा क्यों होगा, सी पी सी टी से होगा। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फोर। अब देखो जी, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, चारों इक्वेशन को अगर कंपेयर करेंगे, देखिए फर्स्ट इक्वेशन किधर थी, ये रही, ए बी बराबर में किसके, डी सी के है, ठीक है भाई। सेकंड किधर है हमारी, ये रही, ए डी बराबर में बी सी के है, ए बी डी सी के, और चलो इसको थोड़ा रुक जाते हैं अभी, इधर आ जाओ नीचे थर्ड में, ए डी बराबर में किसके आ रही है, देखो ए बी बराबर में ए डी, और यहां पर ए डी बराबर में बी सी, ए डी किसके बराबर है, बी सी के, और ए बी बी सी के बराबर। तो सारी की सारी जो साइड्स हैं वो तो हमारी आ चुकी है बराबर, बराबर आ गई है। अब देखो बचता क्या है, अब बचेगा ये कि भाई हमको ये जो एंगल है ना, कोई से भी दो ट्रायंगल ले लीजिए, ठीक है, और लेट से इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर ए, कैपिटल ए इस इक्वेशन को मान लेते हैं, क्लियर है। अब हम इसमें ट्रायंगल मान के चलते हैं क्योंकि हमको 90 डिग्री का एंगल भी इसमें बनवाना है। अब ट्रायंगल ले लेते हैं हम कौन से वाला, एक तो ले लीजिए ये, ठीक, और एक लेट से इसमें मान लेते हैं ये वाला, क्लियर है जी। चलो इन ट्रायंगल एबीसी एंड कौन से वाला ट्रायंगल भाई, एडीसी, सॉरी एडीबी, ठीक है। अब इन दो ट्रायंगल की बारी है, क्लियर है। चलिए देखो भाई, ए बी और ए बी दोनों में आ रही है इसमें कॉमन है, क्लियर है जी इतना। चलो और देखो, इन दोनों में डायगनल्स भी आ रहे हैं भाई, ए सी और बी डी, ये हमको दे रखे हैं जी गिवन। और दूसरी चीज क्या, देखो ये साइड इसके बराबर है, ए डी बराबर किसके, बी सी के। From equation A, या फिर आप लिख सकते हैं proved above, ऐसा लिख सकते हैं, क्लियर है। तो इस हिसाब से देखो, एक साइड ये और तीनों साइड ही है ना इसमें, ठीक है जी, तो तीनों की तीनों इसमें साइड ही हैं, तो ट्रायंगल हमारा ए बी सी कॉन्ग्रेंट हो चुका है किसके, ट्रायंगल ए डी बी के बाय एस 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 कॉन्ग्रेंसी रूल, क्लियर है जी इतना, ठीक है। चलो तो इस हिसाब से इस ट्रायंगल का एंगल ए और एंगल बी हमने क्या लिख दिया, बराबर बाय सीपीसीटी। देखो जी,
फर्स्ट पार्ट के अंदर अगर आप ध्यान दोगे ना, ए ओ बी और डी ओ सी, ए ओ बी और डी ओ सी, ये ट्रायंगल हमने लिए थे कि नहीं? चलिए, तो हम इसमें जब ये कॉन्ग्रेंट हमने प्रूव करवा दिए, लेट से इनको मान लेते हैं एंगल 5 और एंगल 6, मान लिया एंगल 5 और 6, तो क्या यहाँ हम एक और चीज़ ये भी डाल सकते हैं कि भाई एंगल 5 बराबर होगा किसके? एंगल 6 के, बाय सीपीसीटी से, ठीक है इतना? चलो जी, अब आ जाओ इधर, एज एंगल 5 बराबर एंगल 6 के है, सीपीसीटी से भी है, और दूसरी चीज क्या ये कैसे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी तो है ना, है कि नहीं? भाई आप चीज़ ये देखिए, एक ट्रायंगल ये लिया, एक ये लिया, बीच में से एक ही लाइन जा रही है, ये इसके बराबर आ रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुए कि नहीं हुई है? ये सामने से ऐसे ऊपर नीचे दो लाइन जा रखी है, क्लियर है इतनी बात? चलो जी, अगर ये बराबर हैं तो क्या हम इसका रिवर्स बोल सकते हैं क्या? अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर दे रखे हैं तो जो साइड्स होंगी वो पैरेलल होंगी क्या? डीसी और एबी, अगर डीसी और एबी पैरेलल हैं तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, कैसा, कि भाई ये एडी और बीसी क्या हो जाएंगी, एडी एंड बीसी एक्ट करेंगी एज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है? और सेम इसी प्रकार हम ये देखिए, एक बार तो ये अपोजिट वाले लिए थे, एक बार जब ये वाले लेंगे तो ये वाले इसके पैरेलल प्रूफ हो जाएगा, ठीक है, आ जाएगा वहां से एडी पैरेलल किसके हो जाएगा, बीसी के, हो गया। अब उसके बाद में अगर ये इस एंगल की बात करें, ये पूरा का पूरा ए और ये पूरा का पूरा बी, तो इस केस की अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा, देखो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री के हो जाएगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि अगर कोई दो साइड पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, उसके सेम साइड के, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल जो एंगल होते हैं इंटीरियर वाले, वो कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। यहां पर आप डाल सकते हैं कि ए बी इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है? और अभी हमने यहां देखा था कि एंगल ए और एंगल बी हमने बराबर निकाले हुए हैं, तो ट्वाइस ऑफ एंगल ए हो जाएगा इज इक्वल टू 180, टू इधर जाके कट जाएगा तो 90 आ जाएगा, ए अगर 90 आ गया तो बी भी इसी प्रकार 90 आ जाएगा, क्लियर है? तो एक बार तो इन दो साइड को पैरेलल रख के ये एंगल हमने 90 के प्रूफ करवा दिए, ठीक है? अब इसमें बाद में आप एक और पॉइंट ये ऐड कर लेना, यहां पर जगह नहीं बची, कि भाई सिमिलरली एंगल डी एंगल सी के बराबर हो जाएगा और ये दोनों कैसे हो जाएंगे, 90 के हो जाएंगे। जैसे हमने इसको 90 बनाया, वैसे ही आप इसके बाद में सिमिलरली लिख के वो लाइन लिख सकते हैं, ठीक है जी? तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन जो है समझ में आपको आ गया होगा। तो चलिए इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करते हैं। तो इसी के साथ सारे क्वेश्चन आज की वीडियो के ख़त्म होते हैं। मुझे उम्मीद है सारे क्वेश्चन आपको क्लियर रहे होंगे, अगर क्लियर नहीं है वीडियो दोबारा देख सकते हैं, क्योंकि LearnoHub मतलब फ्री, फ्री है पर बेस्ट है।